हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्यूटोरियल। आज है 26 जुलाई 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करने वाले और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। हाल ही में किसको इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है नीरज मिश्रा, सतीश झा, पार्थप्रतिम सेनगुप्ता, अश्विनी कुमार तिवारी। और इसका आंसर होगा पार्थप्रतिम सेनगुप्ता। ऑन जुलाई 24, 2020 इंडियन ओवरसीज बैंक हैज अपॉइंटेड मिस्टर पार्थप्रतिम सेनगुप्ता एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 24 जुलाई 2020 को इंडियन ओवरसीज बैंक ने मिस्टर पार्थप्रतिम सेनगुप्ता को उसके नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। His tenure ends by December 31, 2022 और until further order। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक समाप्त हो जाएगा और इससे आगे भी हो सकता है। ही सक्सीड श्री कर्णम शेखर हु वाज रिटायर्ड ऑन June 30, 2020। वो श्री कर्णम शेखर को रिप्लेस करने वाली है जो 30 जून 2020 को अवसर ले लिए। अबाउट इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका स्थापना हुआ था 10 फरवरी 1937 को और इसका फाउंडर है मिस्टर एम सी टी एम चिदम्बरम चेट्टियार और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु और इसका चेयरमैन है मिस्टर टी सी रंगराजन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच इज द 87th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला तस्वीर देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है आयरलैंड, बोलिविया, निकारागुआ, सिडनी। आंसर होगा निकारागुआ। द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री द रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ बिकम द 87th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य बन गई है और ये अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गए हैं। द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाई द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ निकारागुआ टू द यूनाइटेड नेशंस जैमी हर्मिडा कैस्टिलो एट द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। इस समझौते पर हस्ताक्षर प्रतिनिधि के प्रतिनिधि द्वारा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र में निकारागुआ में जेम हर्मिड कैस्टिलो न्यूयॉर्क में अनारक्षित राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी मिशन पे ये साइन हुआ था। अबाउट निकारागुआ और इसका कैपिटल है मनागुआ और इसका करेंसी है निकारागुआन कोर्डोबा और इसका प्रेसिडेंट है डेनियल ओर्टेगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए सीईओ एंड निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है संजय गुप्ता, विवेक कुमार, आलोक मिश्रा और नानोब दीज। और इसका आंसर होगा आलोक मिश्रा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क हैज अपॉइंटेड आलोक मिश्रा एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। द अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 अगस्त 2020। इस नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से कार्यकाल होगा। ही विल रिप्लेस हर्ष श्रीवास्तव हु हैज पुट डाउन हिज पेपर्स आफ्टर स्पेंडिंग ओवर 2 इयर्स एट माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क। वो हर्ष श्रीवास्तव का स्थान लेंगे जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है एम फाइनेंस पर 2 साल बिताने के बाद। आज का चौथा क्वेश्चन है, व्हिच इज द 25th कंट्री विथ ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक दर्जा पाने वाला 25वां देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है इराक, बोलिविया, तारकमेनिस्तान और नानोदीज। और इसका आंसर होगा तारकमेनिस्तान। ऑन July 22, 2020 तारकमेनिस्तान बिकम द 25th कंट्री हु वाज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 22 जुलाई 2020 को तुर्कमेनिस्तान 25वां देश बन गए
जिसे विश्व व्यापार संगठन से पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। दिस स्टेटस एनेबलिंग द नेशन टू एस्टैब्लिश परमानेंट रेसिडेंस एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड मॉनिटर इट्स प्रोसीडिंग्स। ये स्थिति राष्ट्र के स्थायी रूप से स्थापित करने की कल्पना करती है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां WTO के मुख्यालय में निवास और इसकी कार्यवाही को निगरानी कर सकता है। दिस ऑब्जर्वर स्टेटस वॉज ग्रांटेड ड्यूरिंग द 5th वर्चुअल सेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल व्हिच वॉज हेल्ड फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स। ये पर्यवेक्षक का दर्जा 5वां आभासी वर्चुअल मीटिंग के दौरान हुआ था, जहां विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिषद ने विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय से आयोजित की थी। अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो कार्वेलो डी एजेवेडो और इसका मेंबर कंट्री 164 कंट्रीज एंड 25 ऑब्जर्वर नेशंस। आज का 5वां क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड रजिस्टर्ड इंडिया प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर। हाल ही में किसने एमएसएमई सेक्टर को समर्थन करने के लिए रजिस्टर्ड इंडिया प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर। और इसका आंसर है नितिन गडकरी। ऑन 23rd July 2020 नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लॉन्च्ड रजिस्टर्ड इंडिया ए मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म। 23 जुलाई 2020 को नितिन गडकरी जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मीडियम एंटरप्राइज के मंत्री है, उन्होंने रजिस्टर्ड इंडिया करके एक मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है टू क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द एमएसएमई सेक्टर टू रीस्टैब्लिश एंड टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द स्मॉल बिजनेस। एमएसएमई क्षेत्रों के फिर से स्थापित करने के लिए एक वातावरण तैयार करना और छोटे व्यवसायी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मंच भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। आज का 6वां क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑनररी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हाल ही में किसको ब्रिक्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है हसमुख अधिया, प्रफुल्ल पटेल, साहिल सेठ, नान ऑफ दीज। और इसका आंसर होगा साहिल सेठ, द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम्स एंड 2011 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर मिस्टर साहिल सेठ हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनररी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमिटी फॉर ब्रिक्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मुंबई सीमा शुल्क के डिप्यूटी कमिश्नर और 2011 के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री साहिल सेठ को स्टीयरिंग कमिटी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और वो ब्रिक्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ही अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 2020 to 2030। उनको 2020 से 2030 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। द मेन पर्पज ऑफ द ऑनररी एडवाइजर्स कमिटी इज टू कनेक्ट यूथ फ्रॉम द ब्रिक्स नेशन एंड कनेक्ट मिलियंस ऑफ यूथ अक्रॉस द वर्ल्ड विद हिज प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। मानव सलाहकार की समिति का मुख्य उद्देश्य कि ब्रिक्स राष्ट्रों से युवा को जोड़ना और दुनिया भर में लाखों युवाओं को इसके कार्यक्रम और पहल से रूबरू करना। ऑल्सो प्रोवाइड फ्री एडवाइजरी सर्विसेज टू द मेंबर्स और लीगल एंड अदर बिजनेस सर्विसेज। इसके अलावा वो सदस्य देश के लिए मुफ्त सलाह भी पेश करता है वो जो भी लीगल और अदर बिजनेस सर्विस है इसके लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेयर हैज DRDO रिसेंटली सेट अप द COVID-19 टेस्ट फैसिलिटी। हाल ही में DRDO ने COVID-19 परीक्षण की सुविधा कहां पर स्थापना की है? इसका ऑप्शन है आसाम, शिमला, ले और नान ऑफ दीज। और इसका आंसर होगा ले। ये COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट द ले बेस्ड लेबोरेटरी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DR। डिफेंस अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ले स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DR में COVID-19 परीक्षण फैसिलिटी का उद्घाटन किया है।
the testing facility has been lost to improve the rate of testing to determine the corona cases in the union territory of Ladakh. केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामले को निर्धारित करने के लिए परीक्षण की देर में सुधार के लिए परीक्षण सुविधा और बढ़ा दी गई है. द टेस्टिंग फैसिलिटी हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग 50 सैंपल्स पर डे विल आल्सो हेल्पिंग कीपिंग क्लोज वॉच ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. द टेस्टिंग फैसिलिटी हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग 50 सैंपल्स पर डे विल आल्सो हेल्पिंग कीपिंग क्लोज वॉच ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. इस परीक्षण सुविधा जिसमें 50 नमूना के प्रति स्क्रीनिंग की क्षमता है पूरे दिन भर में और संक्रमित व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने का मदद करेंगी. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. डाइंड थैंक यू.